हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुक मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक रोस्टिंग की वीडियो की रिएक्शन वीडियो, और इस वीडियो का नेम है मी टू मूवमेंट के मसाले। ऑसम और स्पीक है ये खुजली फैमिली चैनल की। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और इस पे मेरा रिएक्शन, और इसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और इस पे मेरा रिएक्शन। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसम और स्पीकिंग। हैशटैग मी टू मूवमेंट का मकसद है कि अगर किसी औरत के साथ बदसलूकी हुई है तो वो बहादुरी दिखा के आगे आए और अपनी स्टोरी बताए ताकि हरेसर पे एक्शन लिया जाए। पर क्या बात है, मी टू की मौज तो ऐसी उठी है कि बड़े बड़े सितारों को लेट हुई, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अलोक नाथ, अपने संस्कारों के साथ सो गए और पता लगा कि नाना का भी खाना खराब निकला। इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इमरान भाई आज से तो आप मुझे फरिश्ते लगने लग गए हो। जो भी करता हूँ स्क्रीन के सामने करता हूँ, नाजायजी नहीं की कभी किसी के साथ, फिर भी लोग मुझे ही हरामी समझते हैं। है कि नहीं बाबू भैया? देखो सेक्सुअल हैरेसमेंट तीन किस्म की होती है। पहली फिजिकल, जिसमें टच करना, हग करना, किस करना, पिंच करना, फ्लर्ट करना और रास्ता रोकना वगैरह आ जाते हैं। फिर आती है वर्बल, जिसमें डबल मीनिंग जोक्स करना, इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर झाड़ना, सेक्सुअल कमेंट्स पास करना आ जाता है। अरे बड़ी डेट लग रही है तू। फिर आती है नॉन वर्बल, जिसमें हवस की निगाहों से घूरना, गंदे गंदे इशारे करना, आवाजें या फिर सीटियां बजाना। हर हरेसर साबित होने के बाद फुद्दू किस्म के लॉजिक्स पेश करता है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का दिल धड़क उठी, फिर तो ये जीते जागते नौजवान इनका क्या हाल होगा। आए दिन पब्लिक में कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढते हैं जहाँ से व्यू ऑन पॉइंट आए। ये पूंडी के पहलवान घंटों एक ही जगह पे बैठ के लड़कियां ताड़ते रहते, कहाँ से आता है तुम लोग के पास इतना टाइम? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। नाजायजी का तो छोड़ो, ये विंडो शॉपिंग के लिए रखी हुई डमीज के भी चस्के लेकर चले जाते हैं। एक मुसलसल लानत इनके चेहरे पर हमेशा सवार रहती है। जब पूछोगे ऐसी हरकतें क्यों करते हो तो बोलते मर्द। एक तो ये गली मोहल्ले वाले परवट्टे होते हैं ना, जिनसे उनका शेरू संभाला नहीं जाता। फिर दूसरे आते हैं वो जिनके दिमाग में पावर की वजह से हवा भर गई होती है। अक्सर यही हरामी होते हैं जो थ्रेट करते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। नहीं पावर है तो क्या किसी के भी तू थोड़ा बहुत तालियां बजा दोगे क्या? आपको पता है मेरा बाप कौन? हो सकता है तुम कानून के हाथों से फिसल जाओ, लेकिन सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि तुम्हें बर्बाद करके ही। क्या बात है, भले तुम्हारा बाप आईजी क्यों ना हो, अपने ऑफिस में बैठ के खून के आंसू रोएगा। क्यों ना रहूं? अरे मेरी जवानी में तूने क्या कर लिया बे? जब इनकी बहन के साथ कोई ऐसा करता है तब इनके अंदर का शक्ति कपूर मर जाता है और अंदर से शाहिद कपूर निकल आता है। Stop following me. सोचो उस शोहर पे क्या गुजरती होगी जिसकी बीवी हरास हो जाए, मतलब जिस बेचारे ने हलाल तरीके से निकाह करके झंडे गाड़े, वो तो पल पल मरता रहेगा ना। आइए देखते हैं कैसे ही वाकया। क्या रिश्ता कहते हैं मेरी बीवी के साथ? किसी कहे कि बीवी को दिन में कितनी बार फोन करेगा? तो कितना दुख होता है मुझको, पल पल मरता हो तेरी वजह से। एक मखसूस जाहिल लोगों की क्लास है जिसकी कोई क्लास ही नहीं है। ये लोग हरासमेंट के विक्टिम को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ तो ऐसे कपड़े पहनेगी, ये फुल तैयार होगी, जिधर दिल किया मुंह उठा के चली जाएगी, तो फिर ऐसे ही होगा ना। फिर तो हैरेसर को हर एस मिंट लगेगी आपकी सोच पे, किरदार पे, वजूद पे और बूथी पे। लानत है कबीरा बेशुमार। और ऊपर से हर दफा जो हैरेसमेंट का सबूत मांगा जाता है ना भाई, सुन लो ऐसा कब होता है? ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं जा रही हूँ, तुम मुझे हैरेस करना ठीक है? सही है ठीक है। Oh my God, he's trying to touch me. रिकॉर्ड हुआ। कई दफा हैरेसमेंट के गवाह और सबूत नहीं मिल सकते, सिर्फ मैसेजेस और कॉल्स का रिकॉर्ड रख लिया जा सकता है। लड़कियों, अगर कोई लड़का तुम्हें उंगली करता है तो उसको चक्की काट के उसकी उंगलियां ही ले आओ। परवट्टों और जरकों, फेंड के टक्कों, भाई ज्यादातर औरत जर को जॉन ब्रांड चाहिए होता है, जॉनी सिंस नहीं, प्यार ही तो चाहिए इस प्रजाति को। समवन टू प्रोटेक्ट देम, बट परमिशन के साथ। एक लड़की को क्या चाहिए, आइए एक लड़की से ही पूछ लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? तीन कॉटन के कपड़े, दो सूखी रोटी, तुलसी का अमल। दुखों का महल नहीं, सुखों का एक छोटा सा हट चाहिए। अबे हट। हर बंदी को पता होता है कि कब कौन सा टच इनएप्रोप्रिएट है और कौन सा टच एक्सीडेंटल है। बहुत सारी लोग है मरद जात, अब तख्ते जरा पलट लेते हैं, क्योंकि दूसरी साइड भी सारी सती सावित्री नहीं है, कुछ सविता भाभी भी है। कुछ इस तरह के मामले म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होते हैं। थोड़ा सा करने दो, मैं कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, कुछ नहीं होता प्लीज। अच्छा ऊपर ऊपर से कर लो। अब
वही बंदियां ब्रेकअप के बाद मीटू का मूवमेंट चला के उस लड़के का करियर बर्बाद करने आ जाती हैं। ये अक्सर इन्फ्लुएंशियल और फेमस मर्द हजरात के साथ होता है। तुम लोगों में से जो इंजीनियर देख रहे हैं वो तो इस बात की टेंशन ना ले। खैर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर डांसिंग कार या ग्राइंडिंग गर्ल वाला माहौल देखो तो वहीं पर उनको दुलाती मार के निकल जाना, क्योंकि क्या पता भाई इल्जाम तुम पे भी लग जाए। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती तो भाई ये इल्जाम लिख लो। पूजा मिश्रा कहती हैं कि सलमान और उसके भाइयों ने मेरा किया सुल्तान के सेट पे बलात्कार काम। पहले तो अगर ये कोई 90s की बात होती तब बंदा कहता है हो सकता है सुल्तान तो भी है, ये दूसरा सीधा ही मतलब बलात्कार वो भी भाइयों के साथ। सुल्तान और बैंक ब्रोस का शूट ही चल रहा है भाई का, कई झूठा इल्जाम है। कम तादाद में सही लेकिन पब्लिसिटी की खातिर मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है। अब तो सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स अपने अपने घरों से निकल के मीटू का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आई अप्रिशिएट द गर्ल्स हु आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टेलिंग देयर ट्रू स्टोरीज, पर दूसरी बात के झूठे इल्जाम ना लगाई। अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान की वजह से अनकंफर्टेबल अनसेफ इनसिक्योर फील कर रहा है तो वो हैरेसमेंट है, बेशक वो 3 सेकंड के लिए मुंह करके देखना क्यों ना हो। ये फजूल लॉजिक होती है कि यार मैंने तो ये किया, ये कौन सी हैरेसमेंट भाई, अगर वो तंग हो रही तो ये हैरेसमेंट है तेरी माँ का। संजीदा टॉपिक पे वीडियो लेकिन मसाई इस तरह बनाई है क्योंकि आप सीरियस शिट को शेयर ही नहीं करते, इसलिए शेयर करो, दिस नीड्स टू स्टॉप। हमारी शटें ले लो, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। क्या बात है, वाओ, वेरी नाइस, ऑसम, स्प्लेंडेड, सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और तो मेरा रिएक्शन, अब हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बेहतरीन किस्म की, एक तरह से फुल ऑन जिसे कह लें एंटरटेनमेंट से भरपूर और बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात की गई है, जैसा कि इस वीडियो में भी कहा, लेकिन फनी वे में, एंटरटेनिंग वे में, ताकि लोग इसको एंजॉय भी कर सकें, देख भी सकें। वरना ये होता यही है कि सीरियस टॉपिक या सीरियस मोड पे जब बात की जाए तो लोग उसे नहीं सुनते, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी लाइफ में मसले मसाले, तो ये सोचते हैं हम क्यों दूसरों के पंगों में पड़े, दूसरों के मसलों मसाइल में क्यों पड़े, हम पहले अपने ही सुलझा लें तो वही बेहतर है। लेकिन जब एंटरटेनमेंट होती है, फ़नी होती है, कॉमेडी टाइप होती है, तो उसका सब टाइम निकाल लेते हैं और उसे देखते हैं। और खुजली फैमिली चैनल की सारी वीडियोज़ ही बहुत कमाल की होती हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके की, फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर, और इस तरह की होती हैं कि आप बार बार भी देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ही कमाल की, बहुत टैलेंटेड किस्म के शख्स हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस तरह से वीडियोज़ बनाते हैं कि दिल जीत लेते हैं। उनकी वीडियो बेतहाशा ट्रेंडिंग में आ रही होती हैं, पाकिस्तानी ट्रेंडिंग में यूट्यूब पे, जो कि लोग बेतहाशा शौक से देखते हैं, और वाकई में काबिले तारीफ किस्म की बात होती है। ज़ाहिर अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि जिसे सराहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, इस बात में कोई दोहरा या कोई ये क्या बनावटी बात नहीं कि इनका काम बहुत बेहतरीन तरीके का होता है और बहुत ही आप कह लें बहुत उमदा और आला तरीके की वीडियो बनाते हैं, जो कि ट्रेंडिंग में आती है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है, और जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग और देख पाते हैं, जान पाते हैं और व्यूज़ उसको लग पाते हैं, क्योंकि सारे मेहनत और लगन के साथ अब अच्छा काम किया जा रहा है तो वो काम को लोग सराहें तो बहुत अच्छा लगता है। बनिस्बत जो अक्सर ट्रेंडिंग में अक्सर हो रहा होता है कि फजूल किस्म की वीडियोज़ आ रही होती हैं जो कि लोगों को देखे उल्टा गुस्सा ही आता है, तो बनिस्बत जो है हमें उन वीडियो को भी नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बनिस्बत जो अच्छा काम हो रहा है उसको देखना चाहिए और सराहना चाहिए और लोगों को शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए। और जैसे कि इस वीडियो के अंदर बात की गई मी टू मूवमेंट के हवाले से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में छाया हुआ है, सारी जितनी भी मतलब ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो निकल निकल कर आ रही हैं सामने और अपने किस्से कहानियाँ शेयर कर रही हैं, और साजिद खान के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ आ चुकी हैं, और जो डायरेक्टर हैं और जो कि आप कहने फराह खान के भाई हैं, और इसके अलावा बहुत सारे जो मशहूर मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं मेल, उनके खिलाफ बातें कर रही हैं फीमेल्स, जो कि आप बता रही हैं अपने किस्से कहानियाँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर बात की गई कि जो रियल है, सच्चे और अच्छी बात है, जिसको बताने से किसी का आगे फ़ायदा हो तो वो शेयर करना चाहिए, और बहुत ही अच्छा कर रही हैं वो, लेकिन बनिस्बत इसका फ़ायदा उठाएंगे नेगेटिव लोग, गलत लोग, जो कि झूठे मनगढ़ंत किस्से बनाने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए झूठी कहानियाँ बना के दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएंगे, जो कि बहुत ही घटिया किस्म के लोग होंगे, और इस तरह की हरकत करनी भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें सबने शुरू कर दी तो बनिस्बत जो सच बोल रहा है उनका सच छुप जाएगा। और तनिष्क दत्ता ने इस बात की शुरुआत की, जो कि बहुत ही कमाल की बात है, 10 साल पहले जो उनके साथ वाकया पेश हुआ, आया था नाना पाटेकर के साथ, तो उसके हवाले से उन्होंने 10 साल के बाद बोली है डिटेल में, लेकिन पहले भी बोली थी लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। लेकिन अब सोशल मीडिया और मीडिया इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि आप कह लें कि कोई भी जब टॉपिक निकलता है तो वो और फैलता है और वायरल होता है और लोगों को इस बारे में पता चलता है और अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो बनिस्बत बहुत अच्छा उन्होंने काम किया।
उनके साथ जो कोई भी वाकया पेश आया था उन्होंने अपना पूरा वाकया शेयर किया। बनिस्बत अब लोग उसको माने या ना माने, लेकिन फिर भी इस बात में मतलब मानना तो बनता ही, क्योंकि ज़ाहिर 10 साल के बाद वो बोली हैं और सेलिब्रिटी हैं वो बहुत मशहूर, और जो कि आप वो कह लें कि वो इंडस्ट्री छोड़कर भी चले गई थी इन सब वाकयात और हालात की बिना पर, जो कि वाकई में किसी का करियर तबाह हो गया था। तो फिर तो अब उन्होंने मतलब इतने साल लगे उनको, मतलब सब्र तहम्मुल आया, जो कि उन्होंने बोलना ज़्यादा डिटेल में समझा तो बहुत अच्छी काम किया उन्होंने, जो कि ज़्यादातर अब जो न्यू मतलब कमर्स आ रहे हैं फीमेल्स वगैरह, तो उन्होंने भी मतलब हिम्मत पैदा की कि वो जो नए डायरेक्टर या पुराने डायरेक्टर उनके साथ जो शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं, तो उस हवाले से उन्होंने बोल कर खुल के सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये वीडियो जो थी फजली फैमिली की बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई और बहुत ही इंटरटेनिंग थी, पता ही नहीं चला कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की एक चीज़, एक एक जोक, एक एक पार्ट, एक एक डायलॉग, एक एक बात बहुत ही कमाल की और बहुत ही आला रुंदा तरीके की थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बल्कि हद से ज़्यादा मज़ा आया, एक तरह से मैं कहूँगा परफेक्ट किस्म की वीडियो थी, सुपर आउट क्लास आउटस्टैंडिंग। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो, उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।